आईपीएल के 13वें संस्करण में सुपर संडे में खेला गया दिल्ली और पंजाब के बीच मैच बेहद रोमांचक रहा। इस मैच का नतीजा सुपर ओवर में आया जिसमें दिल्ली के हाथों जीत लगी। आज आईपीएल का तीसरा मुकाबला है जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बंगलुरु के बीच दुबई में खेला जाएगा। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली के पास सनराइजर्स के कैप्टन डेविड वार्नर से 2016 फाइनल में मिली हार का बदला लेने का ये शानदार मौका है। तब वार्नर ने कोहली को 8 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीता था। पिछले सीजन में आरसीबी सबसे नीचे यानी कि 8वें पायदान पर रही थी जबकि हैदराबाद एलिमिनेटर तक पहुंची थी। इससे पहले हैदराबाद 2009 में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी में आईपीएल खिताब जीत चुकी है। तब टीम का नाम डेक्कन चार्जर्स था। 2013 में सन टीवी नेटवर्क की टीम ने इसे खरीदा था जिसका नाम बदलकर उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद रख दिया था। आरसीबी ने 2016 के अलावा 2011 में डेनियल विटोरी और 2009 में अनिल कुंबले की कप्तानी में फाइनल खेला है। हर बार टीम की किस्मत खराब ही रही और उसने आज तक कोई भी आईपीएल खिताब नहीं जीता। विराट आरसीबी के सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं। उन्होंने 110 मैच में टीम की कप्तानी की है जिसमें टीम को 49 मैचों में उन्होंने जीत दिलाई है। हैदराबाद के खिलाफ मैच जीतने पर विराट आईपीएल में एक टीम को 50 से ज्यादा मैच जिताने वाले चौथे कप्तान बन जाएंगे। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स और गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स और रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को इतने ही मैच जिताए हैं। धोनी अकेले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने सीएसके को 100 मैच जिताए हैं। हैदराबाद में वार्नर सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। टीम उन्हें एक सीजन के 12.50 करोड़ रुपए दे रही है। उनके बाद टीम में मनीष पांडे का नाम है जिन्हें सीजन 11 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। वहीं आरसीबी में कोहली को 17 करोड़ और एबी डिविलियर्स को 11 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदा है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस पर। दोनों के बीच अब तक 15 मुकाबले खेले गए हैं जिनमें से हैदराबाद ने 8 जबकि बेंगलुरु ने 6 मैच जीते हैं। एक मुकाबला बेनतीजा रहा था। पिछले दिनों सीजन की बात की जाए तो दोनों ही टीमों के बीच 4 मैच जिसमें 2-2 की बराबरी हुई थी। वार्नर और विलियमसन हैदराबाद की मजबूत बल्लेबाजी के अहम हिस्सेदार हैं। हैदराबाद के पास वार्नर के अलावा जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग और मनीष पांडे जैसे धुरंधर बल्लेबाज हैं। बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार के अलावा खलील अहमद और युवा विराट सिंह भी इस टीम में शामिल हैं। वहीं आरसीबी में विराट कोहली के अलावा एबी डिविलियर्स और एरन फिंच जैसे दिग्गज बल्लेबाज शामिल हैं। ऑलराउंडर में टीम में क्रिस मॉरिस, मोइन अली और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आरसीबी को मजबूत बनाते हैं युजवेंद्र चहल और उमेश यादव के साथ साथ नवदीप सैनी इस टीम की बॉलिंग लाइनअप को तेजी बना रहे हैं। कोहली अभी तक आईपीएल में सबसे ज्यादा 5,412 रन बनाने वाले प्लेयर भी हैं। ऐसे में आज का मुकाबला इन दोनों ही टीमों के बीच अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों ही टीम जीत के साथ आईपीएल के 13वें संस्करण की शुरुआत करेंगी। आईपीएल की बाकी की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।